मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक 100 फीट ऊंचा बिलबोर्ड गिर गया। बिलबोर्ड के गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल है, राहत बचाव कार्य जारी है और ऐसा बताया जा रहा है कि 18 लोगों की जान जा चुकी है। अभी 2 लोगों को और निकालना बाकी है लेकिन ऑफिशियल जानकारी 16 लोगों की है। अब यहाँ पे जब ये बिलबोर्ड गिरा है तो सियासत शुरू हो गई है। कई राजनीतिक पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज, नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे कि देखो भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तुम जिम्मेदार हो लोगों की मौत के पीछे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर कौन जिम्मेदार है, क्यों ये बिलबोर्ड गिर गया, क्यों ये अवैध बिलबोर्ड है और ये अगर अवैध है तो इतने सालों तक लगा कैसे रह गया, हम आपको बताते हैं। ये जो बिलबोर्ड है वो 2021 में लगाया गया। जिस जमीन पे ये बिलबोर्ड लगाया गया वो जमीन पहले राज्य सरकार की थी, बाद में राज्य सरकार ने उसे जीआरपी को दे दिया, रेलवे को दे दिया वहां पे कॉलोनी बनाने के लिए। रेलवे ने वहां पे कॉलोनी बनाई, इसके बाद से वो जो जमीन थी वहां पे 4 बिलबोर्ड लगाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। जब 4 बिलबोर्ड लगाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया तब उस नोटिफिकेशन पे अप्लाई किया ईगो मीडिया कंपनी ने, जिसका ये बिलबोर्ड है, और उसे इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। ईगो मीडिया कंपनी ने वहां पे 2021 मई तक बिलबोर्ड्स लगा दिए। अब हुआ क्या कि जो बीएमसी है वो कह रही कि जीआरपी ने इस बिलबोर्ड को लगाने के लिए हमारी अनुमति नहीं ली थी। अब जो जीआरपी है वो कह रही है कि भाई जमीन मेरा था तो बिलबोर्ड मैंने लगवाया, तो बीएमसी का इजाजत क्यों लूं? अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि कौन सही है। देखिए, अगर आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई वाले इलाके में कोई बिलबोर्ड लगता है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्योंकि मुंबई एक तटीय इलाका है, वहाँ पे कैसे बिलबोर्ड्स लगाए जाएंगे, उसका वजन क्या होगा, ये सारी चीज़ें निर्धारित रहती हैं। अब ऐसे में कोई भी बिलबोर्ड लगाए आपको बीएमसी से अनुमति लेनी पड़ती है। अब जीआरपी ने उसकी अनुमति नहीं ली। अब चलिए मान लेते हैं कि जीआरपी ने उसकी अनुमति नहीं ली, लेकिन क्या जीआरपी का ये कर्तव्य नहीं बनता था? क्या वो खुद से सोच नहीं सकता था? क्या उसके पास ऐसे अधिकारी नहीं थे कि वो जान सके कि जो बिलबोर्ड लग रहा है वो क्या नियम के अनुसार लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्योंकि जीआरपी रेलवे केंद्र सरकार के अधीन आती है, सरकारी कंपनी है, तो क्या उनके पास अधिकारी नहीं थे इस जांचने के लिए कि वहां पे सॉइल टेस्टिंग हुई है कि नहीं हुई है, ये बिलबोर्ड लग सकता है कि नहीं लग सकता है यहाँ पे? इसके अलावा ये भी खबरें आ रही हैं कि वो जो बिलबोर्ड लगा उसको दूर से देखने के लिए उसके आसपास जो पेड़ थे उसको भी काट के हटा दिया गया। चलिए, एक बात ये हो गई, जीआरपी पे कुछ सवाल खड़े हो गए। अब बात कर लेते बीएमसी की। अब बीएमसी की बात करें तो बीएमसी को ये सारी चीज़ें देखनी होती है कि कौन सी होर्डिंग लगी, कौन सी होर्डिंग नहीं लगी, कहाँ पे अवैध होर्डिंग लगी है। ऐसे तो आपको बहुत सारे अवैध स्ट्रक्चर्स दिख जाते हैं, आप बुलडोजर लेके ढाने चले जाते हैं, लेकिन क्या आपको वो अवैध नहीं दिखा? आपके अधिकारी उधर से गुजरते नहीं होंगे? क्या आप दौरा नहीं करते होंगे? कहीं पे कुछ अगर ऐसा चीज़ बन जाता है जो नहीं बनना चाहिए, जिससे लोगों की जान को खतरा है, आपको किस लिए बनाया गया? इसी चीज़ के लिए तो बनाया गया, आपने उसको देखा भी नहीं। अब यहाँ पे बीएमसी का ये कहना है कि हमने इसको लेके 2 मई को, यानी अभी फिलहाल जो 13 मई को वहाँ पे होर्डिंग गिरा है, इससे पहले 2 मई को बीएमसी ने उनको नोटिफिकेशन जारी किया था और बोला था कि अवैध है, इसे हटा लीजिए, लेकिन जीआरपी ने उसे हटाया नहीं। और आज 13 मई को देखिए ये हादसा हो गया, 16 लोग मर गए हैं, अभी और लोग मर सकते हैं। क्या 2 मई को भी, मानते हैं लेट हो गया, क्या 2 मई को भी अगर वो होर्डिंग हटा दिया गया होता, जीआरपी उस पर एक्शन ले लेती, तो क्या ये 16 लोगों की मौत होती? आपको बता दें, ये जो कंपनी है ईगो कंपनी, ईगो मीडिया कंपनी, उसके जो मालिक है भावेश भिंडे, उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। 2019 में वो विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। इसके अलावा बताया जाता है कि इनके ऊपर 26 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, कई में अभी जांच चल रही है, कई में जांच खत्म हो चुकी है। इसके अलावा ये भी कुछ खबरें आ रही हैं, ये भी कुछ मीडिया चैनल छाप रहे हैं कि इनके ऊपर एक रेप का भी केस चल रहा है। अब ऐसे कंपनी को टेंडर मिल जाता है, जीआरपी टेंडर दे देती है, वो होर्डिंग लगा लेते हैं, कोई एक्शन नहीं होता और आज 16 लोग मर गए। कौन जिम्मेदार है इसका, आप कमेंट में बताइए, हमने आपको पूरी की पूरी कहानी बता दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।